सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण बीसीसीआई की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी यानी सीएसी में शामिल हैं और इन्हें टीम इंडिया का नया कोच चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत श्रीलंका के मैच के बाद गुरुवार को इन तीनों ने अपनी पहली बैठक भी की, लेकिन अब इन तीनों ही पूर्व खिलाड़ियों ने कोच चुनने से इनकार कर दिया है और कोच चुनने के लिए अपनी एक खास डिमांड सामने रख दी है। तीनों ने बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी से अपने काम के लिए भुगतान की मांग की है। हालांकि बीसीसीआई में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सीएससी को भुगतान ना किया जाए। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि इसे एक बीसीसीआई सब कमेटी होना चाहिए था, जिसके सदस्यों में एक बीसीसीआई का सदस्य भी होना चाहिए था। उन्होंने कहा, चूंकि बीसीसीआई के किसी अन्य कमेटी के सदस्यों को भुगतान नहीं किया जाता, इसलिए सीएससी भी इससे अलग नहीं है। उन्होंने कहा, इस मांग को पहले भी उठाया गया था, लेकिन बीसीसीआई इसे खारिज कर चुकी है। सौरव गांगुली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी सीएबी के अध्यक्ष हैं और लक्ष्मण बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट कमेंटेटर हैं। शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट में भी पैसों को लेकर कोई वादा नहीं किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जगमोहन डालमिया ने खुद ये मांग ठुकरा दी थी। एक पूर्व बीसीसीआई पदाधिकारी ने कहा कि उनके मुताबिक पारंपरिक तौर पर बीसीसीआई कमेटी के सदस्यों को भुगतान नहीं करती है, लेकिन उन्हें रोजाना का भत्ता, बैठकों वाले दिन कार और आवास मुहैया कराया जाता है। यही सीएसी के साथ भी किया गया। ऐसे में अब सचिन, गांगुली और लक्ष्मण की डिमांड कैसे फुलफिल होगी, ये देखने वाली बात होगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।